ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज हम दर्शन करते हैं भलका तीर्थ मंदिर के। यह वेरावल में है, सोमनाथ जिले में, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हरिहर स्थान है क्योंकि शिवजी का मंदिर भी पास ही है। यह वह स्थान है जहाँ महाभारत के नायक 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को एक जरा नाम के बहेलिए का विषबाण लगा, और पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण की निज धाम प्रस्थान लीला हुई। 2500 ईस्वी पूर्व की हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ मिली थी। यह मंदिर महाप्रभु जी की बैठक भी कहलाता है। गर्भगृह में भगवान शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं, चतुर्भुज रूप है उनका। यह दृश्य अद्भुत है। नीचे शिकारी की मूर्ति है। मंदिर परिसर में एक बरगद का वृक्ष है। मंदिर में श्री कृष्ण जी की त्रिभंगी मूर्ति बांसुरी बजाते हुए है, और गर्भगृह के पास ही 5000 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है जिसमें नए फुटाव आते रहते हैं। मंदिर परिसर में एक पवित्र जल कुंड भी है जिसे बाणेश्वर तीर्थ कहते हैं। इसके जल में रोगनाशक शक्ति बताई जाती है। भक्त इस कुंड में स्नान करके भगवान के दर्शन करते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में माता गंधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण माता गंधारी के पास शोक व्यक्त करने गए। माता गंधारी जानती थी कि भगवान ने यह युद्ध रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने क्रोध में श्री कृष्ण को शाप दिया कि 36 वर्षों में तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। भगवान ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने उनके शाप के अंत में तथास्तु कह दिया। 36 वर्षों में यादव आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान खिन्न होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठे थे। एक जरा नामक बहेलिए ने भगवान के पैर को हिरण समझकर विषबाण मारा। जब उसे पता चला, वह भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, बाली त्रेता युग में मैंने तुम्हें बाण मारा था। बाली सुग्रीव का भाई था जिसे भगवान ने वृक्षों के पीछे से छुपकर तीर मारा था। भगवान बोले, अब मेरा गोलोक जाने का समय है। इस तरह द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। कुछ भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर एक बड़े लकड़ी के टुकड़े में परिवर्तित हो गया, जिससे पहली बार उड़ीसा के एक राजा ने भगवान के आदेश पर जगन्नाथपुरी की मूर्तियां बनाई। 9वीं शताब्दी में श्री वल्लभाचार्य ने यहाँ श्रीमद् भगवद गीता पर 9 दिन व्याख्यान दिया। इस मंदिर में जन्माष्टमी पर धूमधाम रहती है। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मेरी तीर्थ यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।